नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अनक्लेम डिपॉजिट्स के बारे में। अनक्लेम बैंक डिपॉजिट मतलब बैंकों के अंदर ऐसा कितना पैसा रखा हुआ है जिसका कोई वारिस ही नहीं है, या जो व्यक्ति था वो मर गया है या उसको पता ही नहीं है कि उसका कुछ पैसा रखा हुआ है। अभी 19 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में जो एक डेटा दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली आज की डेट में 42,270 करोड़ रुपए का अनक्लेम डिपॉजिट्स है बैंक के पास, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंकों का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनके पास 36,185 करोड़ का अनक्लेम डिपॉजिट्स है। प्राइवेट बैंकों के पास 6,087 करोड़ का अनक्लेम डिपॉजिट्स है। ये एक ऐसा डिपॉजिट्स है जिसको 10 साल तक किसी ने टच नहीं किया। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अनक्लेम डिपॉजिट्स की डेफिनेशन क्या है, RBI क्या कहता है अनक्लेम डिपॉजिट्स के लिए। देखिए, अनक्लेम डिपॉजिट्स वह रहता है जिसके अंदर पिछले 10 साल के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं किया हो। मान के चलिए महेश गुप्ता का एक अकाउंट है और पिछले 10 साल से उसने उस अकाउंट के अंदर ना कोई लेन देन किया है और वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो RBI के अनुसार वो अनक्लेम डिपॉजिट्स है। अब हो सकता है महेश गुप्ता की एक्सपायर हो गया हो, या उसको ध्यान नहीं रहा हो, या फिर ऐसी कोई फिक्स डिपॉजिट जो उसको मैच्योरिटी हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए, वह भी अनक्लेम डिपॉजिट्स में आता है। तो इस तरीके से यह ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति मर गया हो तो ही वो अनक्लेम डिपॉजिट्स में, नॉर्मल व्यक्ति भी अगर 10 साल तक ऑपरेट नहीं कर रहा अपने अकाउंट को तो वो अनक्लेम डिपॉजिट्स में चला जाता है। अब ये जो अनक्लेम डिपॉजिट्स में चला जाता है, एक्चुअली इसका होता क्या है। देखिए, जैसे ही किसी भी डिपॉजिट को 10 साल से ज़्यादा होंगे, बैंक उसकी सूचना RBI को देगा कि इतना डिपॉजिट्स है हमारे पास जो कि 10 साल से किसी ने ऑपरेट नहीं। RBI क्या करेगी, उस वाले फंड को डीफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जो है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। बेसिकली इस फंड का इस्तेमाल RBI यूज़ करती है एडवर्टीजमेंट में, लोगों को अवेयर करने में। कई बार आपने बैंकों में या किसी सरकारी जगह पर पोस्टर देखे होंगे RBI के, कि RBI एजुकेशन फंड, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो सबका फंड डी फंड से होता है। मतलब ये पैसा RBI के डी फंड में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है, अगर आपका अनक्लेम डिपॉजिट है आप उसको क्लेम कर सकते हो, बैंक नॉर्मल तरीके से आपको क्लेम करने देगा। ऐसा नहीं है कि आपको RBI के पास जाना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से आप अपने अकाउंट की KYC कराएंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे और जो भी आपका डिपॉजिट था वो आपको बकायदा मिल जाएगा और वो तुरंत ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं करना। अब ये अनक्लेम डिपॉजिट्स बढ़ने की वजह क्या है। देखो, इसका मेन वजह ये है कि कई लोगों को कई खाते उपयोग में नहीं आते, उनको फिर भी वो चलाते रहते हैं जो कोई लेन देन नहीं होता। मैच्योर खातों पर कोई दावा नहीं किया जा रहा, मतलब यानी कि फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गई लेकिन उस पर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा। मृत धारकों में नॉमिनी नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन खातों में नॉमिनी नहीं होता उनका क्लेम प्रोसेस इतना ज़्यादा टेडियस होता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उस क्लेम प्रोसेस के लिए। मृत धारकों में कोई कानूनी वारिस नहीं होना, मृत धारक में यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट भी नहीं ला रहे, ना कोई इस तरह का कोई क्लेम करने आ रहा है, तो उस तरह के खातों जनरली बहुत टेडियस प्रोसेस होने की वजह से लोग बाग छोड़ देते हैं। और हकीकत बात तो यह है, मेरे खुद के बैंकिंग एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, मेन रीज़न ये है कि क्लेम प्रोसेस इंडिया में इतना ज़्यादा टेडियस है। अगर किसी के अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो एक तो पहली बात कि 90% बैंकरों को पता ही नहीं कि क्लेम कैसे करवाना चाहिए, और कस्टमरों को पता नहीं होता, बार बार चक्कर लगाते रहो, कभी तहसील ऑफिस, कभी स्टाम्प पेपर, कभी वकील, उसी चक्कर में यानी कि बहुत परेशान हो जाता है व्यक्ति, तो कई बार क्लेम भी नहीं करता, मैक्सिमम टाइम पे क्लेम नहीं होता जो जिनमें विदाउट क्लेम वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं कि RBI ने क्या किया इसके लिए, क्योंकि सरकार को भी बहुत चिंता है कि 42,000 करोड़ का फंड रखा हुआ है, यानी कि अनक्लेम फंड है। सरकार को इसलिए चिंता है क्योंकि 42,000 करोड़ का फंड अगर इंडियन इकोनॉमी में जाएगा तो वहाँ डेवलपमेंट होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, डेवलपमेंट हो, तो अब सरकार को ये चिंता है कि 42,000 करोड़ एक बहुत बड़ा फंड है। RBI को भी चिंता है, तो उसके लिए RBI ने एक नई पहल शुरू करी है 2023 में उद्गम के नाम से, यानी कि एक ऐसा पोर्टल है जो लोगों जनरल पब्लिक को प्रोवाइड किया गया है कि अगर यदि आपको देखना है कि अनक्लेम डिपॉजिट्स आपका किसी बैंक में तो नहीं है, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हो और फिर क्लेम कर सकते हो।
मैंने इसका पूरा डेमो अभी इस वीडियो में ही बताया है कि किस तरह सर्च करना है और किस तरह क्लेम करना है। देखो इसमें दो चीज़ें मैंने बताई है इस डेमो में, एक तो रजिस्ट्रेशन कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा कि आप किसी को कैसे सर्च कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का एक बार रजिस्टर करने के बाद। आइए हम वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आपको ये काम करेंगे। फ्रेंड्स आप सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे उद्गम। उद्गम सर्च करने के बाद RBI का पहली विंडो जब आएगी वहाँ पर आपको लॉगिन का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर की बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है जो कि पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी, नाम, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वह पासवर्ड, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ सेट कर सकते हैं। फिर पासवर्ड को आपको री एंटर करना है, फिर नीचे जो कैप्चा है वह आपको एज इट इज़ डालना है। जो है कैप्चा के नीचे आप टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, डिस्क्लेमर देख सकते हैं, प्राइवेसी, और ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आप इस काम को लीगल तरीके के लिए ही यूज़ करेंगे इस वेबसाइट को। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे आप, इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वह OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, तब आप OTP एंटर करेंगे, रजिस्टर की बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने शुरू में दिया था, फिर पासवर्ड डालेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद होगा क्या कि आपके जो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी पर आपके यहाँ आपको एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करने के बाद ही सिस्टम आगे, OTP डालने के बाद अब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो आप लॉगिन की बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक विंडो आ चुकी है। अब यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति का नाम से या उसकी ID कार्ड से आप सर्च कर सकते हैं। आपको पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिखना है, फिर आपको नेम ऑफ बैंक लिखना है, या तो आप सारे बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई एक इंडिविजुअल बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे जो दिए हुए हैं जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है और फिर यहाँ पर आपको सर्च की बटन पर क्लिक करना है। सर्च की बटन पर क्लिक करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वैसा कोई रिकॉर्ड है या नहीं। सिस्टम सर्च करेगा, आप देख सकते हैं ये सर्चिंग प्रोसेस है क्योंकि 30 बैंकों के सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नो सर्च रिजल्ट फाउंड, मतलब यानी कि मेरे नाम से किसी भी तरह का कोई अनक्लेम डिपॉजिट किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर आप खुद अपना भी चूज़ कर सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी रिलेटिव का सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी अकाउंट में उसका सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स है, हम लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टर जोड़ सकते हो, अपने दोस्त रिलेटिव की फाइल आप हमें रेफ़र करें अपने जानकार की, हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं लोन अमाउंट पर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।